वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। नेता अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। नेता बनने के बाद ना कोई अपना होता है ना कोई पराया, अपनी होती है तो केवल कुर्सी। नेता बनने के बाद एक अलग ही नूर चेहरे से चमकने लगता है, एक अलग ही गुरूर दिखने लगता है। वैसे तो ये जनता के सेवक होते हैं, लेकिन अगर नेताजी को थोड़ी जगह बैठने को ना दी जाए तो इनकी तौहीन हो जाती है। नेताजी गुस्से में आ जाते हैं और फिर होता है तांडव। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मी भी तेज हो गई है। हर दिन राज्य में कई रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं, जहां सभी पार्टी के नेता अपना दमखम दिखा रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं है, सब जनता को दिखा देना चाहते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी एक जनसभा उत्तर प्रदेश में चल रही थी। दरअसल भाजपा आजकल प्रदेश में जन विश्वास यात्रा कर रही है। ऐसी ही एक यात्रा कन्नौज में हुई, जहां मंच पर ऐसा बवाल हुआ कि देखने वाले भी दंग रह गए। छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के नेहरू कॉलेज में जन विश्वास यात्रा के तहत जनसभा के लिए मंच तैयार किया गया था, जहां वर्तमान विधायक और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के समर्थकों में मंच पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। मंच पर व्यवस्था की गई है, भाई चलेंगे, हमारे पास सोची आ जाएंगे। विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और गाली गलौज के साथ मारपीट तक करने लगे। मंच पर बैठने को लेकर विधायिका के समर्थकों और जिला उपाध्यक्ष के समर्थकों के बीच विवाद हुआ। विधायिका अर्चना पांडे के समर्थकों पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप है। स्थानीय बीजेपी नेता विपिन द्विवेदी से मंच पर बैठने को लेकर यह नोकझोंक शुरू हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी अब इस मामले को बीजेपी नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई करार दे रही है। इस खबर में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, VK News, राष्ट्र के नाम।